फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना पाई हूँ, रेसिपी की वीडियो, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ छोटा सा। आज मैंने रेसिपी क्यों नहीं बनाई, एक कारण है, क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए समय देना जरूरी था। जब अपना कोई आता है तो उसके लिए भी समय चाहिए होता है, तो अब खाने से निपट के तो रेसिपी नहीं बना पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और जो भी आएंगे मेहमान उनसे मैं मिलवाऊंगी, और वो बहुत ही खास हैं, तो मैं उनसे मिलवाऊंगी आपको। और एक छोटा तो फ्रेंड्स, मेहमान आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, और मैं तैयारियां कर रही हूँ उनके खाने की, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो उनका कहना है कि राजमा चावल बनाना, तो राजमा चावल बन रहे हैं, मैं भी आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखिए, इसमें राजमा चावल चढ़ा दिए मैंने, और मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने अपनी। 4 बज गए हैं शाम के, तो अदरक कूट लिया है, अभी बनाऊंगी चाय। शर्मा जी हाथ मुँह धोकर आ जाएं, बस तैयार कर रही हूँ चाय और खाना तैयार कर रही हूँ, और बनाऊंगी एक सब्जी अभी, राजमा चावल और रोटी सब्जी। तो स्पेशल मेहमान है, मेरी बहन का बेटा है, और वो और उसकी वाइफ दोनों आ रहे हैं, प्रवीण और गीता, मैंने नाम बता दिए, अब मैं उनसे मिलवाऊंगी आपको। चलिए पहले चाय बना लेते हैं, हमें चाय की जरूरत है इस टाइम। लीजिए फ्रेंड्स, चाय चढ़ा रही हूँ, पानी गर्म हो रहा है, और अदरक डाल देती हूँ, कूट रखा है मैंने अभी। पत्ती डाल देती हूँ, चीनी भी डाल देती हूँ अपने स्वाद के अनुसार, 2 कप में 2 चम्मच चीनी। और फ्रेंड्स, काली मिर्च में हमेशा ही डालती हूँ, जितनी भी बार चाय बनाती हूँ मेरी काली मिर्च तो पड़ती ही पड़ती है थोड़ी सी, क्योंकि ये गले के लिए अच्छी होती है, और इसीलिए मैं पीती हूँ काली मिर्च। और लौंग भी डालती हूँ, दो लौंग डालूंगी, और बन रही है हमारी मसाला चाय। बस इतना ही सामान डालूंगी, ज्यादा मसाले रोज मैं रेगुलर नहीं पीती हूँ, कभी कभार दिन में एक चाय मसाला चल जाती है बस। और इसमें राजमा चढ़ा दिया है मैंने, अभी आने वाले हैं। और प्रवीण को राजमा बहुत पसंद है, मेरे बेटे नितिन को भी राजमा बहुत पसंद है, तो प्रवीण कभी कभी आते हैं तो कहते हैं मौसी चाय वो सॉरी मौसी राजमा खाऊंगा, तो राजमा आपके हाथ का बहुत टाइम से नहीं खाया है, तो आज राजमा बना रही हूँ। यूपी से हैं हम, यूपी से हैं, तो हमारे सब मेहमान सब यूपी में ही हैं ज्यादातर। चाय बन रही है, चाय खोल गई है, दूध डाल देती हूँ, चाय बन गई है हमारी, देखिए। और आप भी आ जाइए, शाम की चाय पी लीजिए हमारे साथ। सोचा आज यही शेयर कर दूं, कुछ बड़ी रेसिपी नहीं है, तो अब इसको कुकर को रख देती हूँ इस वाली पे, राजमा बन रहा है, और मैं चाय डाल देती हूँ।
चाय मैं गिलास में पीती हूँ और हस्बैंड पीते हैं इसमें। शर्मा जी चाय पीजिए और पी के बताओ चाय बनी कैसे बनी है। और ये समोसे शर्मा जी भी चाय समोसे लेकर आए हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं तो सोचा हम भी बढ़िया चल रही है। थैंक यू। और ये चटनी खट्टी वाली चलो आप भी खा लो चाय पी लो। और हमारी चाय और समोसा आपको अच्छे लग रहे हो स्वादिष्ट लग रहे हो तो सब्सक्राइब करना हम ना भूलना फ्री में। थैंक यू। पढ़ लो एक समोसा तो देखिए फ्रेंड्स जिनसे मिलवाना था वो आ चुके हैं। देखिए ये है प्रवीण और ये है गीता, ये है हमारे खास मेहमान और हमारे पुत्र और बहू रानी। देखिए मिलिए है शर्मा जी है ना पुत्र, बोलिए 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 कुछ बोलो। पुत्र है पुत्र चिंता मत करो, ये लोग तुम्हारे क्या बदनाम कर रहे हो, इतना अच्छा बेटा है हमारा। और क्या देखो और गीता बोलो थक गई होगी ना आने में प्रवीण। हाँ जी बोलो। बिल्कुल ठीक खाए आराम से और यहाँ फ्रेश हो गए। फ्रेश हो गए ना। हाँ बस अब मस्त खाना खाएंगे। और आपको पसंदीदा राजमा बना है, राजमा चावल जी। और रोटी हाँ बस आपको सबको खाना हो तो आ जाइए साथ में मिलके खाएंगे सब लोग। हाँ तो मैंने कहा था मिलवाएंगे आपको जरूर तो मिलवा दिया और अब बैठ के हम करते हैं बातें। थैंक यू।